मरकुश रचित सुसमाचार अध्याय ग्यारह वचन दो हम सबको कहां जाना है हमको किस लिए जाना है किस तरह से जाना होगा सामने के गांव में तुम लोग जाओ बस उसने दो चेलों को बुलाया बुलाकर उसने क्या किया था जाओ सामने के गांव में तुम लोग जाओ कहकर उनसे कहा जाओ वहां एक गधी का बच्चा होगा उसे खोल लाओ वो किस तरह का था जिसपे कोई नहीं चढ़ा फ्रेश न्यू उसके साथ उसके बगल में एक और क्या था गधी का बच्चा और गधी गधी का बच्चा था वह माँ भी थी और उसका बच्चा भी था माँ गधी थी और उसका बच्चा भी था बंधे हुए होंगे उन्हें खोल ले आओ उसने सामने जाने को कहा यीशु जो भी कहता है वो उन सब का एक मतलब होता है वो जो कुछ भी बात करता है उसमें बिना मतलब का आत्मकर्त के बिना कुछ भी नहीं कहता उसने क्यों वो जहां पर बैत फगे और बैतनियाह नाम के गांव में जाकर गधे को ले आओ कहकर क्यों नहीं बताया बता सकता था ना उस काल में गधे पर ही राजा सफर किया करते थे क्यों उसी गांव में घोड़ा भी हो सकता था ऊंट भी हो सकता था यीशु के काल में जहां वो रहता था वहां पर ऊंट अधिक होते थे तब उसने ऊंट को ले आओ कहके भी कह सकता था लेकिन क्यों उसने उसी गांव से कहा लेकिन क्यों दूसरे गांव में जाकर या फिर और किसी गांव में जाकर वहां पर जाके तुम मेरे लिए गधी को ले आओ कहा वो ये भी कह सकता था कि बगल के गांव में जाओ या फिर वो देखो वहां सौ मील दूरी पर एक गांव है वहां कह सकता था लेकिन उसने क्या कहा सामने तुम्हारे सामने जो एक गांव है उस गांव में तुम लोग जाओ उसने जो बात कही उसमें कुछ भाव थे उसने कितने चेलों को बुलाया था केवल दो को लेकिन उसके कुल चेले कितने थे सबके सब, सब बारह को क्यों नहीं बुलाया या फिर एक को क्यों नहीं एक को वो बुला सकता था एक ही गधी के बच्चे को लाने के लिए तो उस एक गधी के बच्चे को लाने के लिए एक आदमी काफी है एक चेला काफी है लेकिन क्यों उसने दो को भेजा था क्यों दो को बुलाकर उनसे कहा था उन सबका एक कारण है अलग से हम रुपये देते हैं और कहते हैं जाके गिन के आओ तो क्या हम अकेले आदमी को भेजेंगे नहीं भेजेंगे वो लोग धोखा दे सकते हैं चोरी कर सकते हैं कई बातें खुद उनको ही एक सोच आ सकती है एक प्रेरणा हो सकती है रुपये देख आकर्षित हो सकते हैं रुपयों को देखते ही लालच आ सकती है मुझे ज़रूरत है रुपये ले लूँगा इसलिए ऐसे समय हम क्या करते हैं लोग अगर हैं तो भी वो चाहे जो भी हो दो दो में दो दो में भेजेंगे जो भी काम करें दो दो में वो चाहे जो भी काम हो दो दो लोगों को देते हैं क्योंकि एक पर भरोसा नहीं कर सकते अगर दो होंगे तो एक दूसरे को जवाब देना पड़ेगा जिम्मेदारी पहले को दूसरे को जवाब देने की जिम्मेदारी इसलिए यीशु ने क्या किया दो दो दो, एक डाली डाखों के गुच्छे समेत और वहां घूमने के लिए भेदी को भेजता कौन गिनती पुस्तक अध्याय तेरह वचन तेईस में एक लाठी पर दो मनुष्य उसे लटकाए हुए उठा के दाखों के डाली को जो बहुत ही भारी था इतना बड़ा था वो दाखों के गुच्छों की डाली उसे लाठी पर अपने कंधे पर रख के लाए यीशु परमेश्वर ने जब पृथ्वी की सृष्टि की थी तो नर का अकेला रहना अच्छा नहीं है परमेश्वर ने एक की सृष्टि की एक मनुष्य की सृष्टि की सृष्टि करने के बाद परमेश्वर तृप्त नहीं हुआ सोचा मनुष्य नर अकेले इसलिए तुरंत दूसरे की सृष्टि की सृष्टि नहीं की होती तो अच्छा होता अगर उसने दूसरे मनुष्य नारी की सृष्टि नहीं की होती तो अच्छा होता हमारे लिए भी अच्छा होता लेकिन दूसरे मनुष्य को परमेश्वर ने सृष्टि करने वाले परमेश्वर ने तुरंत नारी की सृष्टि कर दी जब यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था तो उसके साथ और कितने चढ़ाए गए थे दो डाकू एक तरफ एक और दूसरा दूसरी तरफ तब भी दो थे वहां क्रूस पर यीशु मसीह के साथ दो व्यक्ति थे वो भी लटक रहे थे अध्याय आठ वचन सत्रह क्या बताता है तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि दो जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है मतलब जब गवाही देते हैं तो जब वचन आता है तो परमेश्वर का वचन परमेश्वर तुमसे तो बात करता है आपसे वादा करता है मैं एक नई बात करता हूँ वो अभी प्रगट होगी जब परमेश्वर वादा करता है तो प्रभु एक बार कहता है तो मनुष्य किन नहीं करते कुछ लोग तो परमेश्वर ही बात कर रहा है ये उनके कानों में सुनाई पड़ता है प्रभु ही बात करता है फिर भी नहीं करते तब दूसरी बार उन्हें क्या चाहिए प्रमाण चाहिए उन्हें पवित्र शास्त्र से परमेश्वर को मुझे सूचना दिखाना होगा इसीलिए दो बहुत ही प्रमुख होती हैं इसलिए ईश्व ने क्या किया था अपने दो चेलों को बुलाकर उन्हें भेज रहा है कहाँ भेज रहा है तुम्हारे सामने के एक गांव में तुम लोग जाओ और जब प्रभु ने उनसे कहा तो तुरंत दोनों चेले उनके सामने जो गांव था वहां गए अब हम सब आज देखने वाले हैं ये जो सामने का गांव है उस सामने जो गांव है वो क्यों खास है एक भक्त ने अच्छे से ऐसा गाया मैं किस लिए मैं किस लिए तेरे साथ हूं इसलिए तेरे साथ हूँ इसीलिए खास हूं कौों की चिड़ियों की सृष्टि करने वाला परमेश्वर केवल हमको अपने स्वरूप में बनाया उसकी तरह बनाया मतलब मैं बहुत ही खास हूँ आप भी खास हैं कौ की चोंच की तरह हमारी होती तो कैसी होती कौे का रंग हमारा होता तो फेयर एंड लवली नीविया ढेर सारी क्रीमें हम यूज करके लगाते ही रहेंगे रंग बदलने में कितना समय लगेगा हम सब गोरे होंगे और कब फोटो खिंचवाएंगे हालेलुया, हालेलुया, मतलब हम खास लोग हैं बोलिए आपके बगल में जो है उन्हें देखकर मैं बहुत ही खास व्यक्ति हूँ कहिए हालेलुया, लुया की चिड़ियों की सृष्टि करने वाला परमेश्वर खरगोश सभी जीव जंतुओं की सृष्टि करने वाला केवल हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया है उसकी जैसे नाक उसकी जैसी आंखें उसकी तरह दो पैरों पर खड़े हो पा रहे हैं उसकी तरह के दो हाथ उसके जैसे जैसा मेरा पिता वैसा ही मैं बोलिए जैसे मेरे पिता हैं मैं भी वैसे ही हूँ तीन बातों को आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझे जो तीन व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी हुआ था उससे प्रगट किया था उससे किया पहला व्यक्ति मूसा से परमेश्वर बात कर रहा है पर बात कर रहा है कई वर्ष तक मूसा ने वो जो कठिन हृदय के जन थे इसराइल की प्रजा को सफर पर ले जाके कई बरसों तक चला चला के घुमा घुमा के जंगल के मार्ग से रेगिस्तान के मार्ग से पत्थरों के बीच चट्टानों के मार्ग से पहाड़ की घाटियों से पहाड़ों से पहाड़ी इलाकों में से जंगलों में से जहां पीने के लिए पानी नहीं था पानी के स्रोत जहां थे ऐसी सब जगहों से ले जाके अब मूसा की उम्र हो गई थी मूसा की उम्र बढ़ गई थी पास में आ गए थे कनान देश के अंदर जाना था इस कनान देश में जाने से पहले मूसा को देखकर परमेश्वर बात कर रहा है अब देखिए व्यवस्था विवरण अध्याय बत्तीस और वचन बावन इसलिए परमेश्वर बता रहा है इसराइलियों को देता हूं तू आपने अच्छी तरह गौर कीजिए आपने सामने देख लेगा आपके और मेरे सामने जो देश है लोकानुसार जो हमारे सामने देश दिखाई दे रहा है अपने सामने देख लेगा परंतु वहाँ जाने ना पाएगा कितना दुख हुआ होगा कितनी कठिन बात है उसे सुनकर मूसा का हृदय अवश्य टूट गया होगा कितने वर्ष तक इन कठिन हृदय विनम्र लोगों के लिए मूसा ने उपवास रखा होगा और कितना परमेश्वर के सम्मुख चालीस चालीस दिन तक दो बार उपवास रखा था यहाँ तक कि निर्जल बिना पानी पिए उपवास इस मनुष्य ने इन इन इसराइली लोगों के लिए अपना परिवार अपनी पत्नी अपने बच्चों की भलाई ना देखकर कर लोगों को कनान देश में जैसे भी हो ले जाना जहां पहुंचाना है जहाँ इन्हें पहुँचाना है वहाँ प्रभु को ही पहुँचाना है ऐसा सोच के आगे खड़े रहने वाला एक लीडर एक नेता उसने कितनी उसकी राह देखी होगी कितने सपने देखे होंगे उसने कि एक ना एक दिन हम कनान देश में प्रवेश करेंगे वहाँ उस देश में दूध और मधु की धाराएँ बहती हैं अगर उस देश में जाएंगे तो आनंद मिलेगा उस देश में जाने पर समाधान मिलेगा उस देश में समृद्धि और आशीर्वाद है इसीलिए हम सब पिछले 40 वर्ष से घूम फिरने के बाद भी हम निश्चय रूप से कनान देश में प्रवेश करेंगे तो वहां सुख संतोष होगा ऐसा मूसा ने आशा के साथ सोचा होगा हाल कितनी बड़ी आशा थी उस दिन की राह देखना उसी तरह हम भी अपने जीवन के सफर में भाग दौड़ कर रहे हैं जीवन के सफर में आगे दौड़ते जा रहे हैं प्रभु इस जीवन के सफर को कहा जाके समाप्त करने हैं कहाँ जाके खत्म करना होगा पता है केवल दो ही स्पॉट्स हैं दो ही दो जगह हैं, एक नरक और दूसरा स्वर्ग एक नरक और एक स्वर्ग इस जिंदगी के सफर में प्रभु हमें आगे चलाएगा एक ना एक दिन ये जीवन खत्म हो जाएगा जब ये जिंदगी खत्म हो जाएगी तो हम जिस जगह पे जाके उतरने वाले हैं कौन सी जगह होगी जहाँ जाके रुकेंगे हम जाके कहाँ जीने वाले हैं वो नित्य जीवन की एक जगह होगी वो नित्य जीवन के लिए सही जगह होगी वो दोनों जगह हमेशा के लिए होंगी नर्क भी नित्य होगा और स्वर्ग भी नित्य होगा स्वर्ग में जाएंगे तो नित्य 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 काल के लिए आनंद होगा और वही नरक में जाएंगे तो नित्य नित्य काल के लिए दुखी होंगे आग आग की लपटे हमेशा जलती रहेंगी कीड़े मकोड़े सांप जहरीले सांप जहरीले कीड़े काटते ही रहेंगे आग नित्य जलती ही रहेगी भुजेंगे नहीं हम जलकर राख नहीं बन जाएंगे लेकिन जलते ही रहेंगे जी हां जलते ही रहेंगे जरा सोच के देखिए एक दिन की बात नहीं कई वर्ष का काल कई कई वर्ष काल तक अगर वही हम स्वर्ग में जाएंगे तो हमें मुक्ति मिलेगी अनेक वर्ष काल तक उस सुनहरी भूमि में हम चलकर जाएंगे तो नीचे सब सोना बिखरा पड़ा होगा सोना भरा उस सुनहरी भूमि में चलें क्या उस सुंदर स्वर्ग में जिए क्या यीशु के साथ हम भी रहे क्या हो सन्ना हो सन्ना कह के उसकी स्तुति करें उसकी आराधना करें क्या परमेश्वर के दूत के साथ नित्य नित्य काल के लिए यीशु के सम्मुख रहकर पिता की आराधना करते हुए जिए बताइए आपको क्या चाहिए जीवन एक ही होता है ये से एक जीवन को समाप्त करते समय किस जगह पर जाके लैंड करना चाहेंगे हम कहाँ पर उतरने वाले हैं गलत जगह पर जाके हमें नहीं उतरना है आज अगर आंखें बंद हो गई तो दूसरे पल में कहीं ना कहीं आंखें खोलने वाले हैं यहाँ पर मर जाएंगे तो उसके दूसरे पल ही कहीं एक जगह पर जिंदा होकर जीने वाले हैं पृथ्वी हमारे लिए निरंतर जगह नहीं है ये पृथ्वी लोक हमारे लिए ये लोक निरंतर के लिए नहीं है जहां पर हम आंखें खोलने वाले हैं, वहीं पर हमारा वो जीवन उस सफर के लिए हम मर के भाग रहे हैं हम सब तब मूसा को देखकर सामने के उस देश में कहकर प्रभु मूसा से कहता है वहां ले जाके प्रभु ने मूसा से क्या कहा कानान, एक देश जो उन्हें वादा किया था उनके पूर्वजों को वादा किया गया एक देश उस तो देश में जाके उसे अपनाना होगा यही वादा किया गया देश है इसराइलियों को दिया गया देश है लेकिन मूसा के लिए कितना कष्ट हुआ होगा कितने वर्ष तक कितने वर्ष घूम घूम के गया था इन इसराइली लोगों के लिए तड़प रहा था इन लोगों की वजह से उसने कौन सी गलती की थी मूसा ने कौन सी गलती की थी परमेश्वर की दृष्टि में उसने कौन सी गलती की चट्टान को देखकर बात करो कहा था उस चट्टान को देखते ही उस पर मार दिया सी बात समर्पण भाव नहीं बात नहीं मानी छोटे बच्चे बहुत सारे होते हैं जवान लोग भी होते हैं बड़े लोग भी होते हैं बात नहीं मानी तो जीवन में बहुत से खो देते हैं जीवन में पता नहीं कितने बड़े 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 आशीर्वाद को खो देते हैं मूसा महान व्यक्ति था बहुत बड़ा नेता था लाखों लोगों के सामने खड़ा होकर राज के नेता जिस तरह चलाता है उसी तरह इसराइलियों के सामने रहकर उन्हें चलाया था गलती ना करने वाला मनुष्य चालीस वर्ष तक मूसा प्रभु के सम्मुख बैठकर बैठकर अपने आप को दृढ़ बनाया था वो बहुत ही अनुभवी मनुष्य था उस मनुष्य के जीवन में केवल एक ही एक गलती क्या थी प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करना प्रभु ने कहा था उस चट्टान को देखकर बात करो उस चट्टान से पानी निकलेगा यह अद्भुत है लेकिन मूसा ने ऐसा नहीं किया बस मार दिया इस बात को परमेश्वर ने अपने मन में रखा कि नहीं रखा था चाहे कितने वर्ष क्यों ना हो अपने हृदय में रखता है मूसा ने सोचा होगा मैं इतने सारे लोगों की अगुवाई कर रहा हूं किसी ना किसी तरह देश में जाऊंगा नहीं इतना महान व्यक्ति जिसने कोई गलती नहीं की हो वो बस एक गलती की वजह से वो कनान देश के अंदर प्रवेश नहीं कर सका हम सब भी कई समय में वादा किया हुआ देश को कई कई बार अपना नहीं पाते हैं प्रियजनों हमसे जो वादा किया गया है कनान देश में हमें जाना है स्वर्ग में हमें जाना है इसीलिए परमेश्वर कलिसिया में आया है हमारी आत्मा का उद्धार होना है हमारी आत्मा को स्वर्ग पहुंचना होगा वहां पर नीतिकाल के लिए जीना होगा सिर्फ मैं ही नहीं मेरे परिवार के सभी लोग हमारे चर्च में जितने लोग हैं उन सबको मेरी जान पहचान जिससे भी हैं उन सबको मेरे साथ जो काम करते हैं उन सबको अपने परिवार के सभी लोगों को अपने गाँव के सभी लोगों को ले जाना होगा यही मेरी आशा है आपके भी यही होनी चाहिए वहाँ ना पहुँचने का कारण हम जो छोटी सी गलती करते हैं उस निमित्त हम कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाते हम स्वर्गलोक में परमेश्वर के राज के वारिस बनकर वारिस नहीं बन पा रहे हैं आप जरा गौर करके देखिए आप गौर से सोचिए एक छोटा बच्चा अपने माता पिता की बात नहीं सुनता तो उसके जीवन में कितने ठोकर खाने पड़ते हैं पता है बाद में उसके जीवन में कितनी भयंकर घटनाएं घटती हैं पता है आसानी से कह के बच्चे चले जाते हैं जाओ माँ मैं नहीं करूँगा जाओ डैडी मैं नहीं करूँगा इसलिए कह के चले जाते हैं आजकल के बच्चे लेकिन इसका फल अपने जीवन में एक न एक e दिन अवश्य भुगतेंगे एक न एक e दिन नतीजा अवश्य आएगा जो आज्ञा नहीं मानते उनके लिए एक नतीजा मूसा ने बात नहीं मानी परमेश्वर का एक जन परमेश्वर के सम्मुख रहने वाले एक मनुष्य ने एक बात नहीं मानी इसलिए स्कूल में एक स्टूडेंट ने बात नहीं मानी तो उसे अवश्य सजा मिलेगी परिवार में माता पिता की बात बच्चे नहीं मानते सजा मिलेगी मनुष्य होकर हम अगर परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेंगे तो अवश्य एक सजा पृथ्वी पर और स्वर्गलोक में भी होगी हम कभी कभी सोचते हैं कि इतना दुख क्यों इतने कष्ट क्यों ये आंसू किस लिए क्लेश किस लिए जैसे कि हम परम पवित्र हैं जैसे हमने कोई गलती ही नहीं की हो और इन दुखों को सह नहीं सकते ऐसी बातें करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं आज्ञा नहीं मानते हैं हम लोग छोटी उम्र में हमने गलती की होगी जवानी में हो सकता है कि हो कभी ना कभी किसी के दिल को ठेस पहुंचाने वाला कार्य किया हो इसीलिए हम सब खो रहे हैं जो भी हमें पाना है वो खो रहे हैं आप मूसा को ही देख लीजिए कनान देश को उसने अपने आँखों से देख लिया था आप और मैं स्वर्गलोक को आंखों से देख नहीं सकते मूसा ने देख लिया था कनान को देख लिया था उसके सामने के देश को देख लिया उसने नबो नामक चोटी पर चढ़कर वहां खड़े होकर परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने दिखाया था तू अपने सामने देख ले उस जगह पे हमने देखा था नबो नामक चोटी पर चढ़कर हमने खड़े होकर देखा जब उस चोटी पर खड़े होकर देखेंगे तो कनान देश दिखाई पड़ता है दूर वहां सब कुछ हरा भरा वृद्धि समृद्धि पानी के झरने सुंदर सा एक देश दूरी पर बैनाकुलर से दिखाया था दूर से दिखाई देता है मूसा ने उसे देखा था कम से कम उसने आंखों से तो देखा था आप और मैं स्वर्ग लोग को न देखने की नौबत नहीं आनी चाहिए प्रभु के कार्य के बातों को अपने दिल में रखना होगा इन इसराइलियों का सफर हमारे जीवन के सफर के लिए एक उदाहरण सा दिया गया है हम दुख के मार्ग से होते हुए चले जा रहे हैं कहते हैं वो लोग चालीस वर्ष तक घूम रहे थे वो चालीस वर्ष प्रभु उनकी देखभाल करता रहा हर तरफ से देखभाल की उनके वस्त्र फटे नहीं थे और ना ही छोटे पड़ गए देखिए हम सब करोना काल में घर पे बैठकर खा पी रहे थे तो कितने लोग मोटे हो गए ना पैंट फिट हुआ न शर्ट ब्लाउज भी छोटा पड़ गया क्यों उन्हें चालीस वर्ष तक खूब मन्ना दी खाने को खाने को मांस दिया बटेरे भी दिए जहां भी वे गए थे वहां पानी जहाँ भी गए वहां खाना मिलता था मांस तब वो सब कितने मोटे होने चाहिए दृढ़ भी होंगे लेकिन वो मोटे नहीं हुए इसराइलियों का जीवन का सफ़र और पृथ्वी पर जीने वाले हमारे जीवन का सफ़र दोनों की तुलना की गई है उन्हें भी कठिन मार्ग से ले जाया गया परमेश्वर ने उन्हें घुमा घुमा के ले गया था आपको भी परमेश्वर उसी तरह ले जा रहा है मुझे भी क्यों समाधान के साथ यहाँ से वहाँ जाना आसान होता है लेकिन सफर की दूरी तो कम ही है लेकिन 40 वर्ष तक उन इस को घुमा घुमा के लेकर गया था मतलब आपकी परीक्षा लेते हुए आपको संवारते हुए आपको परमेश्वर के समुख समर्पित करने के लिए आपके हृदय का उद्धार हो इसलिए प्रभु की जो इच्छा है उसे पूरा करने तक आपको वो जंगल के मार्ग से ही ले जाता रहेगा हले लुया लुया मतलब तब हमें एक काम करना होगा इस वचन को मैं उस वक्त पढ़ के देख रही थी इसमें अनेक आत्मिक अर्थ हैं व्यवस्था विवरण अध्याय बत्तीस में वचन उनचास को अगर आप देखेंगे तो उस अबारिम पहाड़ की नबो नामक छोटी पर जो मुआब देश में यरिहो के सामने है चढ़कर कनान देश जिसमें मैं इसराइलियों की निज भूमि कर देता हूँ उसको देख ले जो मुआब देश में यरिहो के सामने इसका ही एक बड़ा संदेश बन सकता है यरिहो माने क्या मुआब माने क्या यरिहो नाम के शहर के लिए प्रभु ने क्या बातें की थी मुआब नाम के देश के लिए प्रभु ने जो भी बातें कही वो सब बातें कार्य क्या हैं? इन सबको हमें आत्मिक रूप से देखना होगा यही आशा करती हूँ हो सकता है आज हमारे पास समय ना हो हो सकता है आज मुआब के लिए कौन सी बातें कही प्रभु ने क्यों येहो से सामने जो मुआब है मुआब नाम के उस देश में जो पहाड़ है उस पर जाकर नबो नामक चोटी पर खड़े होकर मैं तुम्हें जो दिखा रहा हूँ वो इसराइलियों के निज भूमि कर देता हूँ उस कनान देश को देख लो कहकर क्यों कहा था कौन थे वो मुआबी बताए कौन थे वो मुआबी वो सब बहुत सारी बातें हैं जब मुआबी लोग कहते हैं तो अनेक हैं कनानी अंग्रेजी में कहेंगे तो कैननाइट्स आइट्स पेरिजाइट्स इस तरह कई आइट्स 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 इसल्स हैं यहाँ पर देखें तो कनानी मुआबी और अमाले की फिलिश्ती पेरिजी इस तरह कई लोग हैं उनमें से ये मुआवे कौन थे पता है अब्राहम के भाई का बेटा लूत की एक एक बेटी का दूसरी बेटी का बड़ी बेटी के बेटे का नाम ही मुआब था दूसरी बेटी के बेटे का नाम बेनम्मी बेनमी इन दोनों बेटों के जरिए जो संतान आया वही मुआब येरिहो मतलब क्या है मुआब का मतलब क्या है क्यों येरिहो के सामने जो देश है उसे देखने जैसा प्रभु ने किया था क्यों मुआबी लोगों को परमेश्वर ने क्यों ऐसा आशीर्वाद दिया था किस लिए मुआब देश को परमेश्वर ने क्यों एदोम और अमोन के बीच में रखा था हमें जानने वाली एक बात है हमें कनान देश को सिर्फ देखने वाले जैसा नहीं होना चाहिए एक न एक दिन जाना ही तो पड़ेगा जा रहे हैं तो अच्छे देश में जाएंगे एक अच्छी जगह पर पहुंचेंगे सामने के गांव में जाओ सामने जो गांव है वहां आपके जीवन में सामने जो पृथ्वी लोक के सामने जो स्वर्ग लोक है पृथ्वी के आगे सामने जो स्वर्ग लोक है वहां अगर आपको जाना है तो पृथ्वी लोक के सफर में आप कैसे जिंदगी जीने की आशा कर रहे हैं पृथ्वी लोक के सफर में इस दुनिया के सफर में जीवन के सफर में आप सब कैसा जीवन जीने की आशा कर रहे हैं जरा रुक के जांच के परमेश्वर के सम्मुख जा के परमेश्वर जन आप गौर से देख कर परमेश्वर मैं कुछ ना खो सकूं नित्य नित्य काल के लिए आनंद से जीने के लिए उस परमेश्वर के राज को मैं खो न सकूँ स्वर्ग लोक में प्रवेश करने से कुछ मुझे रोक न सके खो न सकू नित्य नित्य काल के लिए परमेश्वर जो नरक लोक में जाते हैं उनके साथ हम ना जाएं परमेश्वर जो मार्ग हमें दिखा रहा है उसमें हम अपना सफर जारी रखने के लिए मार्ग में कोई रुकावट ना हो इसके लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे साथ रह कर कार्य करे हमारे साथ जो है वो महान है अमलेकी को हमारे बीच से दूर कर दे परमेश्वर हम पहाड़ की चोटी पर जाकर परमेश्वर के सम्मुख पहाड़ की चोटी पर हम चढ़ के जाके आत्मिक रहस्य को आत्मिक आशीर्वाद को हम पहाड़ की चोटी पर जाकर श्रेष्ठ श्रेष्ठ परमेश्वर के श्रेष्ठ आशीर्वाद को हम सब पा सके इसके लिए हमारी सहायता कर प्रभु सारा आदर महिमा स्तुति तुझी को देते हैं हमारे महिमा में ईशु के नाम में प्रार्थना कर रहे हैं हमारे अच्छे पिता आमी प्यारे साथियों बहन नलनी विल्सन का विनयाड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत हर रविवार सुबह साढ़े नौ बजे से लेकर साढ़े ग्यारह बजे तक इसमें अभिषेक के साथ आराधना भी हो रहा है उसमें भाग लेने के लिए कलिसिया में प्रत्यक्ष आमंत्रित करते हैं जगह विनयाड सेवकाई मंदवली बस डिपो के पास कनाल बैंक रोड मंदवली चेन्नाई ट्वेंटी अधिक जानकारी के लिए नौ नौ छह दो दो तीन 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 डबल नाइन सिक्स टू सिक्स टू डबल थ्री डबल थ्री कॉल करें बहन नल्ली विल्सन का बुनियाद सेवकाई द्वारा प्रस्तुत लगातार प्रार्थना नॉन स्टॉप प्रेयर हर दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको लगातार प्रार्थना के लिए प्रत्यक्ष और ऑनलाइन गूगल मीट के द्वारा आमंत्रित करते हैं प्रत्यक्ष आने वाले नंबर सात साउथ कैनाल बैंक रोड मंदवली बस डिपो के पास में मंदवली चेन्नई अट्ठाईस पर आए ऑनलाइन गूगल मीट में आने वाले अधिक जानकारी के लिए नौ नौ छः दो छः दो तीन 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 आरोप कॉल करें johns senior secondary school admissions open from kindergarten to 12th standard admission now in progress nobel laureates are not created in huge research facilities but in a humble school labs with the incredible success of the 50 golden jubilee years let your child go on a journey of imagination and creativity. St. John's.